सब लोगों को अब एक ही चीज़ की इंतज़ार है कि रिजल्ट कब आएगा, कितना नंबर आ रहा है, कितना इस नंबर पे कितना ऑल इंडिया रैंक आ रहा है। सबसे जो मैटर करने वाली बात कितना है क्या कि नंबर कितने आ रहे हैं, वैसे नहीं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि नंबर आपको कई बार शॉकिंग आएगा। ऑल इंडिया यही मेन फैक्टर है जिसपे जो है कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपको। तो इस चीज़ की सबको इंतज़ार है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। अब बच्चे एकदम अपना सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए दिन रात लगे पड़े हुए हैं। अब इसे बहुत तरह के बच्चे हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि किसको पार्शल ड्रॉप लेना चाहिए, किसको प्राइवेट सीट लेना चाहिए। बच्चे जो है कन्फ्यूज़ है कि प्राइवेट MBBS कर लें क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसकी 575-580 डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइवेट से MBBS करना सही रहेगा हमारे लिए, या गवर्नमेंट BMS कर लूँ, पार्सल ड्रॉप ले लूँ, या वेटनरी ले लूँ, या BDS ले लूँ। अगर आप ये श्योर हो चुके हो कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं लेना या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपको कोई कॉलेज लेना है, एकदम डिसाइडेड हो चुके हो कि वेटनरी लूँ या BDS लूँ या BMS लूँ, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इनबॉक्स में जाकर के देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट रहेगा, उसके मिल जाएगा, वो आप वीडियो देख लेना। उसमें सारी कोर्स के बारे में, क्या जॉब सिक्योरिटी है, कितना किसका क्या फ्यूचर है, क्या किस सारी चीज़ में ओपनली हर चीज़ हर वीडियो के बारे में डिटेल में बात किया हूँ। तो इसमें हम वो नहीं बात करने वाले, इसमें हम ये बेसिकली ये बात करेंगे कि किसको पार्शल ड्रॉप लेना चाहिए, किसको MBBS के अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है जैसे BMS BDS वेटनरी वगैरह मिल रहा है तो किसको लेना चाहिए, किसको प्राइवेट MBBS कॉलेज लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल डिसाइड नहीं पड़ रहे, जिसके 550 मार्क्स आ रहे हैं, 550 से लेकर के 600 के आसपास, 610 620 के आसपास, 610 के आसपास जो बच्चे का नंबर आ रहा है, समझ रहे हो, वो MBBS के कितना करीब आ गया है। 4 साल 5 साल 3 साल 4 साल का मेहनत है बच्चों का, इतना मेहनत करने के बाद तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तो एक जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उस समय एक ही सोच होता है सबका कि हमको MBBS कॉलेज लेना है, और वो उसको सोच करके एक अलग सपनों का नहीं होता घर जैसा, वैसा घर बना लिया होता है, सिर्फ दिन रात जो है उसके दिमाग में एम्स ये MBBS के अलावा तो छोड़ो एम्स वगैरह के बारे में बच्चे सोच रहे होते हैं, और उनको अचानक से पता चलता है कि उसको इस बार भी मेडिकल कॉलेज जो है MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो बहुत मतलब कितना खतरनाक सिचुएशन, कितना बुरा लगता है वो मैं फील कर सकता हूँ, अच्छे से फील कर सकता हूँ। और जब लोग उसको ज्ञान देते हैं कि BMS कर लो या वेटनरी कर लो तो कितना बुरा लगता है, मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। बिल्कुल ही मतलब ये एकदम डिसगस्टिंग लगता है कि क्या बोल रहा है भाई मेरे सामने, मेरा सोच क्या था, मैं कितना एफर्ट लगाया, मैं कितना मेहनत करके 590 नंबर लाया हूँ, 600 मार्क्स लाया हूँ, 605 नंबर है, सिर्फ 10 या 15 नंबर के डिफरेंस से मुझे MBBS कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, और लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि BMS कर लो, वेटनरी कर लो, BDS कर लो, ऐसे बोल रहे हैं। तो एक बहुत ही पूरा जैसा लगता है कि एक पाथ ही चेंज हो गया। और ये चीज़ें डाइजेस्ट करना है ना स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप जिसको है ना हमेशा मतलब दिन रात जो आपकी ड्रीम में होता है, ख्वाब में, और अचानक से ऐसा लग रहा था ये टूट रहा है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट जो है ना मतलब इस एज में एक जो होता है ना मतलब प्यार मोहब्बत, तो उसके लिए यही प्यार मोहब्बत है नीट, और वो बच्चे इसको सैक्रिफाइस जो कर देते फिर लगता है अब क्या ही मेरे ज़िंदगी में इससे बुरा क्या ही होगा, ऐसा बिल्कुल फील होता है। मैं इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता हूँ, ठीक है। तो देखो हम एक एक करके हम जो बिल्कुल कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। मुझे भी जब कोई ऐसा बोलता था कि वेटनरी कर लो या BMS कर लो तो लगता था क्या ज्ञान दे रहा है कि कौन मतलब क्या, बहुत वियर्ड लगता था सुनने में। लेकिन एक कहावत सुने हो ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है, तो आपको लाइफ में स्टेप भी लेना ज़रूरी है। आप घर बहुत सारी प्रेशर हो सकती है, घर की प्रेशर हो सकते हैं, खुद की मतलब दिमाग चोक हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न की वजह से आपको अब ऐसे मोड़ पे आ चुके हो कि अब समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिल रहा है, जो मेडिकल कॉलेज है MBBS कॉलेज है वो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल हिम्मत नहीं है, या फिर बिल्कुल घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे कि वापस से ड्रॉप ले लो और हमको कॉलेज लेना ही है। अब कुछ दो तरह के बच्चे हैं, अब एक ऐसे बच्चे हैं जो ये कन्फ्यूज़ हैं कि उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं तुम अगर प्राइवेट से MBBS करना चाहते हो तो वो भी हम करवा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक ऐसे बच्चे हैं जिसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करा सकते प्राइवेट से मेडिकल, मतलब प्राइवेट से MBBS अफोर्ड नहीं करा सकते, तो उनके पास दो ऑप्शन है। उनके पास दो ऑप्शन ये है कि वो जो भी वेटनरी है, BDS या BMS है, वो चीज़ कौन देख सकते हो, तो ये तीनों में से कोई एक चीज़ आप सेलेक्ट कर लो और आगे बढ़ो लाइफ में, या फिर ये से सेलेक्ट करके फिर आप कॉलेज में रह के अपना नीट का जो है तैयारी कंटिन्यू रखो, वापस एग्ज़ाम देना, और वापस अगर नीट में हो जाता है तो कॉलेज छोड़ करके आप जा सकते हो, आप MBBS कॉलेज में जा सकते हो। ऐसा मेरे नज़र के सामने सैकड़ों बच्चे हैं, ऐसे लाखों हज़ारों बच्चे ऐसा किए हैं जो अलग अलग BDS कॉलेज में एडमिशन लिया, BMS कॉलेज में एडमिशन लिया, वेटनरी में एडमिशन लिया, वापस से अपना कॉलेज को भी मेंटेन किया, अपना क्लासरूम वगैरह मेंटेन करके रखा और साइड से अपना नीट का तैयारी करता रहा और एग्ज़ाम दिया और अच्छा
परफॉर्म किया, अच्छे नंबर आए उसको, ऐसे मेरे नज़र में, मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे बैचमेट्स हैं ऐसे, सो मैं पर्सनली जानता हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसा किया है BMS कॉलेज लेके, वेटनरी लेके, BDS लेकर के, और वो वापस से गवर्नमेंट MBBS कॉलेज फेच किया है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप सच में एकदम मतलब ऑब्सेस्ड हो MBBS के लिए, आप चाहते हो कि हमको वहीं जाना है, तो आप डेफिनेटली ये सब चूज़ करके फिर पार्शल ड्रॉप ले सकते हो, मतलब आराम से वहाँ आप जा सकते हो, अगर आपकी किस्म अच्छी रही, आप अगर मेहनत की वैसा ही, जिस तरीके से करते आ रहे हो वैसा मेहनत की, तो आप डेफिनेटली आपको सीट मिल जाएगा। उसके बहुत फ़ायदे हैं, जब आप कॉलेज लेते हो तो आपका जो है मेंटल पीस जो है थोड़ा वो रिड्यूस हो जाएगा, बहुत मतलब मेंटल पीस मिलेगा आपको, और एक कॉन्फिडेंस मिलता है, लगेगा नहीं कि आप रोड पे हो, और एक ब्रेक मिल जाएगा लाइफ में, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा, तो बहुत सारी फायदे। जब एग्जाम वापस से नीट का एग्जाम दोगे तो उस समय तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो रहेगा वो बहुत अच्छे लेवल पर रहेगा, कॉन्फिडेंस बिल्कुल, तुमको टेंशन उसे नहीं रहेगा, तो तुम आज़ाद होकर के एग्जाम दोगे, तो इस वजह से परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो कई बार जो है परफॉर्मेंस की वजह से भी बच्चों का पेपर जो है काफ़ी अच्छा होता है, मतलब आपकी तैयारी तो अच्छी होती है, लेकिन घबराहट वगैरह होने की वजह से जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, 10 नंबर 20 नंबर कम आ गए, इसकी वजह से जो है आपको MBBS कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, अगर कॉलेज ले लेते हो जैसे BDS है या BMS या वेटनरी कुछ भी ले लेते हो, तो ये चीज़ें जो है ना आप फिर वापस एग्जाम दोगे तो ये चीज़ नहीं रहेगा, जो घबराहट वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा, अब बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस हुआ में तुम एग्जाम दोगे, तो तुम आराम से है ना, हो सकता है तुम्हारा अगर लक अच्छा रहा, तुम्हारा मेहनत रहा, तो तुमको डेफिनेटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब एक ऐसे स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुमको, अगर तुम यहाँ ऊपर है, तुम अगर गवर्नमेंट से BMS करना चाह रहे हो या BDS करना चाह रहे हो या वेटनरी करना चाह रहे हो तो वो भी हम करवा देंगे, या फिर उनके पेरेंट्स ऐसे हैं कि नहीं हम है ना अरेंज कर लेंगे, तुमको हम इतना पैसा दे देंगे कि तुमको प्राइवेट से MBBS करना है, ठीक है, तुम प्राइवेट से भी MBBS कर सकते हो। अब बच्चा जो है गार्जियन के ऊपर, उस गार्जियन बच्चा के ऊपर छोड़ दिया, बच्चा जो है गार्जियन के ऊपर छोड़ दिया कि उनको एकदम समझ में नहीं आ रहा कि मैं MBBS प्राइवेट से MBBS है ना। मेरा एक सजेशन है, देखो अगर तुम्हारा पेरेंट्स जो है फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट है कि वो तुमको प्राइवेट MBBS सीट को दिला सकता है, तो आँख बंद करके प्राइवेट MBBS सीट ले लो, तुम्हारे लिए यही बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक बच्चा जो है ना, अगर तुम ऑब्सेस्ड हो MBBS के लिए तो ठीक है, वही बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं जो एकदम MBBS के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, डेफिनेटली वही बच्चे एकदम कि नहीं हमको जब भी करना है तो मुझे MBBS ही करना है, MBBS ही करना है, MBBS के बारे में ही सोचो और इसके अलावा तुम कभी कुछ सोचा ही नहीं, तो तुम है ना डेफिनेटली प्राइवेट से MBBS कर सकते हो। और अगर तुम्हारा 550 प्लस मार्क्स आया है, 570 है, 580, 590, 600 मार्क्स आ रहा है, तो तुमको जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, टॉप का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जहाँ पर तुमको एक परसेंटेज कभी ऐसा रियलाइज नहीं होगा कि तुम कहाँ आ गए हो, या इतना पढ़ने के बाद भी तुम प्राइवेट से ही मेडिकल कॉलेज कर रहे हो, प्राइवेट से ही MBBS लिए हो, इतना पैसा खर्च कर रहा है, क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतना साल, 3 साल 4 साल पढ़ाई करने का, क्या मेहनत हुआ। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, लोग ऐसा सोच सकते हैं लेकिन तुमको है ना फील होगा ऐसा, तुमको ऐसा फील होगा हर मोमेंट पे, ऐसा कितनी बार ऐसा तुम्हारे मोमेंट आएंगे तुम्हारी लाइफ में, तुमको फील होगा कि जो हम पास में मेहनत किए थे इस वजह से मुझे आज है ना ऐसा दिन देखने को मिल रहा है, ऐसा चीज़ मेरे साथ हो रहा है, मतलब इतना अच्छा चीज़ हुआ, इतना उसकी डेफिनेटली तुमको बहुत मतलब फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे 200 नंबर ला करके प्राइवेट से MBBS कर रहा है वो, और जो 550-600 नंबर ला करके जो प्राइवेट से MBBS कर रहा है वो, दोनों की एबिलिटी, पोटेंशियल, सोच, थिंकिंग वगैरह हर चीज़ में बहुत का डिफरेंस होगा। वो बच्चा जो 150-200-250 नंबर ला करके प्राइवेट से MBBS कर रहा है उसमें और आप में बहुत डिफरेंस है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि प्राइवेट से MBBS कर रहा है इसका क्या ही होगा, नहीं, जो गवर्नमेंट से MBBS कर रहा है ना तुम उससे भी अच्छे हो सकते हो, उससे अच्छे हो इनफैक्ट, क्योंकि तुम उतना स्कोर कर रहे हो यार, 10-20 नंबर मैटर नहीं करता। अगर कोई बंदा 580-590 नंबर मार्क्स ला रहा है, कोई 615 ले आया है, तो उसकी आई इसके प्रीफेरेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बस परफॉर्मेंस की डिफरेंस है, जो एग्ज़ाम के टाइम पे उसकी है ना अच्छी कॉन्फिडेंस थी, वो अच्छा परफॉर्म कर करके आ गया, और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होने की वजह से आपके उतने कम मार्क्स आ गए। नॉलेज की कोई डिफरेंस नहीं है, उसको जितना नॉलेज है उतना ही आपको नॉलेज है, जितना मेहनत करके कर वो भी बच्चा कॉलेज में गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बच्चा तुमसे ज़्यादा अच्छा कर लेगा, नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा तुम कर सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है तुम कॉलेज में फिर कितना अपना आउटपुट देते हो, कितना चीज़ें इंटरेक्ट करते हो, कैसे चीज़ों को लेते हो, ये सारी चीज़ है ना तुम पे डिपेंड करता है। तुम डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं MBBS कर रहे हैं उससे भी अच्छे हो सकते हो, और जो भी मतलब 550 प्लस पे जो कॉलेज मिलता है वो कॉलेज भी टॉप का कॉलेज है, और उसमें सारे बच्चे ऐसे पहुंचेंगे, मतलब तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा जहां पे आपको है ना बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि कहां पे आ गए, और हर चीज़ बेस्ट है, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज लोगे जितने मार्क्स पे तो वो सारी चीज़ें ना मतलब ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज में वो सब फैसिलिटीज़ नहीं, इंटरनेशनल लेवल का हर चीज़ का फैसिलिटीज़ मिलेगा, समझ रहे हो। तो डेफिनेटली आप आराम से, अगर आपके पेरेंट्स जो है इतना सीट को इतना पैसा को एफोर्ड कर सकता है और इतना मार्क्स लाया हो, आपका ड्रीम है नहीं MBBS ही करना है मुझे, तो आप आराम से MBBS कर सकते हो, बिल्कुल नहीं घबराओ कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, ऐसी चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपको वो ड्रीम है,
समझ रहे हो, आपके पेरेंट्स, ये बहुत खुशी की बात है कि आपके पेरेंट्स इतना पैसा है कि वो आपको गवर्नमेंट सीट जो है, प्राइवेट सीट जो है दिला दे रहा है, दिला पा रहा है। तो आप आराम से आंख बंद करके एडमिशन ले लो, आपको टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जहाँ भी लेना चाहोगे इतने स्कोर पे आराम से मिल जाएगा, टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। और डेफिनेटली जो इतना साल आप पढ़ाई करके इतना नंबर लाए हो, 550-600 नंबर आ रहा है आपका, और गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाया किसी वजह से, तो आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है, इस चीज़ का है ना, मैं गारंटी देता हूँ डेफिनेटली। मतलब कोई भी अगर अच्छा मेहनत किया है, उसके अच्छे मार्क्स आ रहा है, कहीं भी जाएगा ना, तो उसको है ना इस चीज़ का बहुत उसका उसको उस चीज़ का इंपॉर्टेंस मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा उसको। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 400 नंबर ला करके ही निवेश कर रहा है प्राइवेट कॉलेज, तो वो बराबर कभी नहीं हो सकता भाई। वो हाँ, तुम उससे सही है कि वो भी MBBS कर रहा है, लेकिन तुम्हारे जो थिंकिंग है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी हर चीज़ जो है उसमें बहुत डिफरेंस होगा। और जब तुम कॉलेज से निकल जाओगे ना, तो उस चीज़ का फ़ायदा तुमको मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो एक इंसान कितना कैसा सोच रहा है, कैसा उसका बिहेवियर, कितना हार्ड वर्किंग है, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करता है। और कॉलेज में जाने के बाद तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी पैरामीटर है, तो वो कॉलेज आने के बाद सीन चेंज हो जाता है थोड़ा, ठीक है। और रहा PG की बात, तो PG में है ना UG से कोई लेना देना नहीं है, फर्दर आप UG में कैसा पढ़ाई करते हो उसके हिसाब से आपकी PG निकलती है, ठीक। तो आप आराम से, मतलब अगर ऐसे कंफ्यूज थे कि नहीं हमारा 575-580 मार्क्स आ रहा है और हमको गवर्नमेंट से BMS BDS कर लूँ या वेटनरी कर लूँ या फिर प्राइवेट से MBBS कर लूँ, तो अगर सिंपल सी बात है, अगर आपके पेरेंट्स इतना एफोर्ड कर सकते हैं, इतना पैसा दे सकते हैं, तो आप MBBS कर लो, क्योंकि आप MBBS के लिए तैयारी कर रहे थे इतने साल से, वो आपका ड्रीम है, समझ रहे हो, वो परस्यू करने के लिए, तो बिल्कुल आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। अब बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि कहीं और चले जाओगे तो हो सकता है तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, ठीक है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, तो उधर चले जाओगे ना, तो अपने आपको सेटिस्फाइड रहोगे, अपने आपको सेटिस्फाइड रहोगे, तुम खुश रहोगे, हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं अगर और तुम एकदम डिसाइडेड नहीं, हमको नहीं प्राइवेट से तो मुझे बिल्कुल नहीं, एकदम ऐसा लगता है कि नहीं हम इतना ऑब्सेस्ड नहीं है कि मुझे MBBS ही करना है, प्राइवेट से तो बिल्कुल नहीं मेरा इंटरेस्ट है, भले हम चाहे कुछ भी कर लें गवर्नमेंट से, चाहे वेटनरी कर लूँ या BDS कर लूँ या BMS कर लूँ, अगर ऐसा हो तो आपके लिए फिर तो आप बेस्ट हो। मतलब आप अगर ऐसा सोच रहे हो नहीं हमको क्या करना, तो आप फिर बेस्ट है। ऐसे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो कंफ्यूज थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। और जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, जिसके पेरेंट्स, वो पार्सल ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आप वापस से आपका डेडिकेशन लगा रहा, आपका अगर चाहोगे नीट जो है MBBS अगर करना चाहते हो और साइड से तैयारी करते रहोगे, तो डेफिनेटली आपको है ना नेक्स्ट ईयर जो है कॉलेज मिल सकता है, तो ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर फिर कन्फ्यूजन रह जा रहा है, कुछ और चीज़ें कुछ गाइड करना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते, तो इंस्टाग्राम पे जब मैं फ्री होऊंगा तो तुम लोग का रिप्लाई करूंगा। हाँ, और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कौन सी चीज़ें नहीं समझ में आती और कौन सी बातें तुम करना है, कौन सी चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ शेयर भी करो भैया को, ठीक है, क्योंकि भैया जो है बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस वाली वीडियो, बहुत ही ऐसा रेयर वीडियो जो लेके आता हूँ मैं, और हमारे जो है उतने व्यूज़ नहीं आते, तो शेयर जरूर करना वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो और मस्त रहो।